नेक्स्ट प्रश्न है फॉर्मर डायरेक्टर सीसीएमबी डॉक्टर मोहन राव से. वो पूछते हैं कैन वी आइडेंटिफाई ए फ्यू फीचर्स ऑफ अवर कल्चर विच आर नॉट रिलेटेड टू रिलीजन. कल्चर रिलीजन को छोड़ करके कोई एस्पेक्ट्स है क्या कल्चर में? प्रॉब्लम थोड़ी सी जो मैंने संकेत में कहा था कि रिलीजन और संस्कृति सेकुलरिज्म हमारा माइंडसेट ऐसा है कि उसमें से बड़ी प्रॉब्लम होती कभी कभी. एक एडवर्ड पोकोक नाम का ग्रीक लेखक हुआ, 1852 में उसने एक बुक लिखी, उसका नाम है इंडिया इन ग्रीस. तो उसने सिद्ध किया कि ग्रीक सिविलाइजेशन, ग्रीक कल्चर, ग्रीक हिस्ट्री इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया. तो उसकी प्रीफेस में और उसने एक प्रसंग लिखा है कि एक बहुत प्रसिद्ध आर्टिस्ट था, तो एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर बनाता था. एक उसने बड़ा विचित्र पिक्चर बनाया, तो जब दर्शक आया और चित्र को देखा तो उसने चित्रकार को कहा कि कर्टेन हटाकर पिक्चर बताइए. तो उसने उत्तर दिया कि द कर्टेन इज पिक्चर. और फिर उसने आगे कहा कि जब ग्रीक हिस्ट्री, ग्रीक माइथोलॉजी इसको आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि द कर्टेन इज ग्रीसियन बट द पिक्चर इज इंडियन. हमारी यह प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आपने कहा कि संस्कृति के कुछ फीचर्स रिलीजन से रिलेटेड, रिलीजन के लिए हमारे यहाँ जो शब्द है वह संप्रदाय है, लेकिन हमने क्या किया कि धर्म को भी उसके बाहर कर दिया. और मुझे लगता है कि इस धर्म कॉन्सेप्ट के ऊपर समाज के हर फील्ड के अंदर एक अच्छी बहस होना चाहिए. बहुत समय से इंटेलेक्चुअल बहस ही बंद हो गई हमारे यहाँ पर, और हम भी भयभीत होते हैं कि धर्म शब्द बोलेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे. मैं थोड़ा सा उसको क्लियर करता हूँ. फंडामेंटली हमारे यहाँ पर धर्म शब्द कोई कर्मकांड, कोई रिलीज इस अर्थ में नहीं था. उसकी सिंपल डेफिनेशन थी धार्यत इति धर्म, जो सस्टेन करता है, जो एग्जिस्ट रखता है, वो जो सिस्टम है वो धर्म है. इसलिए आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के हर संदर्भ के अंदर धर्म शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन जब मुझको उसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करना है, भारत में तो कोई भी विषय होगा तो धर्म शब्द लगाएंगे, लेकिन मुझे इंग्लिश में कहना है तो एक वर्ड से काम नहीं चलेगा, अलग अलग करना पड़ेंगे. जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ कहते हैं पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, सेवक धर्म. अब पुत्र धर्म क्या है अगर आप कहेंगे तो हमारे यहाँ मिलेगा, माता पिता का आदर करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए. अगर उनको आप पढ़ेंगे तो वहां तो शब्द प्रयोग है धर्म, लेकिन मुझे उसको अंग्रेजी में आपको समझाना है तो मुझे कहना पड़ेगा ड्यूटी. धर्म शब्द है लेकिन वो ड्यूटी है. लेकिन हमारे यहां कहते हैं राजधर्म, राजा दंड विधान करता है, राजा कानून बनाता है. तो राजधर्म वहां भी शब्द प्रयोग तो धर्म है, लेकिन मुझे अंग्रेजी में आपको कहना है तो मुझे कहना पड़ेगा ला. हमारे यहां ये भी कहा गया कि पराई स्त्री को मां समझो, पराए धन को मिट्टी समझो. अब ये भी धर्म है, लेकिन मुझे अंग्रेजी में अगर इसको कहना हो तो कहूंगा एथिक्स. और हमारे यहां पर यह भी कहते हैं कि अग्नि का धर्म है, वाटर जो है उसका भी धर्म है, जो वायु है उसका भी धर्म है, पृथ्वी का भी धर्म है. वहां भी धर्म शब्द है. तो अग्नि का धर्म क्या? जलाना. तो वहां भी शब्द प्रयोग धर्म है, लेकिन मुझे अंग्रेजी में आपको कहना तो मुझे कहना पड़ेगा नेचर. उसका एक बेसिक स्वभाव है, वो छोड़ देगा तो वो ही नहीं रहेगा. आग अगर जलाना छोड़ दे तो उसको कोई आग नहीं कहेगा, वहां भी धर्म है. और जो मनुष्य का गॉड के साथ रिलेशन के लिए उसने जो एक पाथ बनाया उसको भी हमारे यहां पर मोक्ष धर्म कहा गया. और उस मोक्ष धर्म के अर्थ में फिर वैष्णव धर्म, शैव धर्म, लिंगायत धर्म, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई अनेक प्रकार आ सकते हैं उसके अंदर. मुझे लगता है कि नंबर वन इस धर्म कॉन्सेप्ट को हम इस प्रकार से अगर देखेंगे तो हमारे यहां पर कहा गया कि ये जो कॉन्सेप्ट है एनी लॉ, एनी सिस्टम
जो एग्जिस्टेंस को रखता है, उसको आगे बढ़ाता है सोसाइटी के अंदर, फैमिली के अंदर, बिजनेस के अंदर, एवरी जगह। उस संदर्भ में अगर हम इसको समझेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां पर कहा गया कि धर्म इसी में से संस्कृति निकलती है। क्योंकि जब हम आपको ये बताते हैं कि पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए, सारे विश्व को परिवार समझना चाहिए, तब फिर हमारा स्वभाव बदलता है, हमारा बिहेवियर बदलता है, वह चेंज होता है। मुझे लगता है कि जो फैनेटिज्म है उससे बाहर निकलना चाहिए। जो हम कर्म कांड है उसको धर्म न समझे, उसकी कोई संस्कृति में आवश्यकता नहीं है, वह समय के साथ बदलता जाता है। इसको समझकर मुझे लगता है जो फंडामेंटल बेसिक्स हैं, जिसके लिए मैंने रंगनाथन जी के शब्द का प्रयोग किया कि इटर्नल वैल्यूज, ये इटर्नल वैल्यूज जो है उसको, और अब तो भगवान की दया से कहिए, क्योंकि वेस्ट की परिभाषा हमको ज्यादा लगती है, कि धर्म शब्द रिलीजन से अलग है, ये अब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज डिक्शनरी में भी एक्सेप्ट किया गया है। और वहां पर जो धर्म की डेफिनेशन डिक्शनरी में दी है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में, उन्होंने कहा कॉस्मिक लॉ, यूनिवर्सल लॉ। मुझे लगता है कि इस अर्थ में अगर इसको हम देखेंगे तो कई बार जो इस एक बात के कारण से हमने हमारी पूरी एंशियंट ट्रेडिशन को हमारे थिंकिंग से, हमारे एजुकेशन से, हमारे व्यवहार से निकाल दिया है, उसका भी मार्ग निकलेगा। और उसके आधार पर मुझे लगता है कि हम विचार करेंगे तो किन बातों को छोड़ना है और किन को रखना है, उसकी दिशा हमको स्पष्ट होगी।